स्वतम ओ विश्वानि देव सवितर दुरीता परा सुद्रम तन्यासुव ओम शांति 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 आत्मीय बंधु भाइयों तथा तो बहनें इसके पहले दो वीडियो इस विषय पे गए जिसमें नौ गायत्री मंत्र के लाभ के बारे में बताना है तो दो विषय पे हो चुका है अथर्वेद का वो मंत्र है ओम स्तुता मया वरदा वेद माता पाव मनी द्विजा आयु प्राणम प्रजा पशु कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम अथर्वेद ये कहता है कि जो भी गायत्री मंत्र का जप करते हैं उनको ये नौ लाभ प्राप्त होते हैं पहला द्विजानम द्विज हो जाते हैं दूसरा उनकी उम्र बढ़ जाती है आयु बढ़ जाती है और तीसरा है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे प्राणम सामान्य तौर पे लोग ऑक्सीजन को ही प्राण समझ लेते हैं ऑक्सीजन प्राण का संवाहक मात्र है वास्तव में ऑक्सीजन के साथ सामान्य वायु के साथ जब हमारी इच्छा शक्ति जुड़ती है जब हमारी भावनाएं जुड़ती है तो वो प्राण में परिवर्तित हो जाता है वास्तव में परमात्मा ही प्राण स्वरूप है ईश्वर ही प्राण स्वरूप है और कणकण में वो प्राण संचार करता है या यूँ कहें हर प्राणी के अंदर प्राण के रूप में परमात्मा विद्यमान है यदि प्राण को हमने किसी तरह नियंत्रित कर लिया किसी तरह प्राणों को बस में कर लिया तो समस्त सृष्टि के प्राण को हम बस में कर सकते हैं हर मनुष्य के अंदर हर प्राणी के अंदर जो जीवन तत्व है जो प्राण ऊर्जा है वो हमारे प्राण ऊर्जा के साथ जुड़ी हुई है हमारा प्राण बिखरा रहता है बिगड़ा रहता है अव्यवस्थित रहता है इसलिए हम संपर्क नहीं साध पाते यदि अपने प्राण को साध लिया जाए तो हम सृष्टि के किसी भी प्राण से या प्राणी से संपर्क स्थापित कर सकते हैं जिसने अपने प्राणों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है वो सृष्टि के किसी भी प्राण पर नियंत्रित कर सकता है ईश्वरीय तत्व है प्राण कण कण प्राण से ही संचारित होता है जब प्राण कम हो जाए तो हम बीमार हो जाते हैं कहते इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है प्राण का बढ़ना ही तो इम्यून सिस्टम का मजबूत होना है उसका शक्तिशाली और ताकतवर होना है और प्राण एकदम निकल जाए तो कहते हैं कि अब आदमी मर गया तो मरने के बाद ऑक्सीजन देकर उसे जीवित क्यों नहीं कर देते यदि ऑक्सीजन ही प्राण होता तो आत्मा और उसके स्वरूप की अभी चर्चा नहीं हो रही है आत्मा आएगी भी शरीर में तो भी एक प्राण तत्व चाहिए जो ऑक्सीजन के साथ शरीर में संचार करे और शरीर को चेतना दे इसलिए ये समझ लेना जरूरी है कि ऑक्सीजन से प्राण अलग है हमारा सौंदर्य हमारी प्रतिभा हमारा हमारी कला हमारा ज्ञान ये सब हमारे प्राण के अधिकता और न्यूनता पर निर्भर करता है जिसके अंदर जितनी मात्रा में प्राण ऊर्जा है उतना ही बड़ा प्रतिभा संपन्न सौंदर्यवान और प्रभावकारी व्यक्तित्व का धनी होगा वह व्यक्ति है। कई लोगों को आपने देखा बड़े बुझे बुझे से रहते हैं बहुत प्रयत्न करने के बाद भी बहुत चीज़ें सीख नहीं पाते हैं और कई लोग बहुत पढ़े लिखे न भी हो, तो ऐसी ताजगी ऐसा उल्लास ऐसा आनंद उनके जीवन में दिखता है चेहरे पे चमक और खुशी की लहर हमेशा छाई रहती है ये सारा प्राण का खेल है हम संसार में बहुत चीज़ें इस कारण से करते हैं कि प्रभाव पड़े हमने एमए कर लिया पीएचडी कर लिया दो बार तीन बार पीएचडी करते हैं कि लोगों पे हमारा प्रभाव पड़े कि ये व्यक्ति ज्ञानी है एक गाड़ी से काम चल सकता है लेकिन अनेक गाड़ियां लोग रखते हैं कि लोगों पर प्रभाव पड़े कि ये बहुत अमीर आदमी है और एक बंगले में एक घर में एक मकान में रह के भी काम चल सकता है अनेक मकान खरीदते हैं बनाते हैं कि लोगों को पता चले कि बड़े आदमी हैं सुंदर व्यक्ति भी सुंदर स्त्री भी न जाने कितने घंटे ब्यूटी पार्लर में खर्च करते हैं वो तो सुंदर है ही लेकिन लगता है कि और प्रभाव पड़ जाए गांधी जी शारीरिक दृष्टि से बहुत सुंदर नहीं थे लेकिन फिर भी हम उन्हें इतना पसंद करते हैं सारे लोग उनकी मूर्ति को उनके फोटो को घर में रखना चाहते हैं सुकरात बहुत सुंदर नहीं थे शारीरिक दृष्टि से उनके चेहरे में बहुत गड्ढे थे बहुत दाने थे चेचक के दाग थे लेकिन उन्हें हम पसंद करते हैं सौंदर्य केवल शरीर का नहीं होता सौंदर्य प्राणों का होता है जिसके अंदर प्राण है वो काला सांवला कैसा भी हो लेकिन वो सुंदर दिखेगा उसके चेहरे पे चमक दिखेगी और प्राणों की एक खूबी है कि यदि आपके अंदर प्राण है तो आपकी वाणी से भी प्राण निकलता है सुनने वाले एकदम हतप्रभ हो जाएंगे उनके अंदर ऊर्जा का संचार होने लगेगा उनकी हीलिंग होने लगेगी केवल आपकी बातें सुनने से प्राण आंखों से भी निकलता है हिप्नोटाइज करने करने वाले, करने वाले इसी प्राण का प्रयोग करते हैं यह, यह नहीं कहा जा रहा है कि प्राण बढ़ाइए और दूसरों को बस में करिए या दूसरों को सम्मोहित करिए प्राण बढ़ाकर अपने जिंदगी को सुव्यवस्थित और सुंदर बनाइए इसकी चर्चा यहां हो रही है प्राण का प्रभाव शरीर से भी होता है आप अलग अलग नाम दे सकते हैं कि आभा मंडल और उनका अल्फा का रेंज ऐसे नाम दे सकते हैं लेकिन ये प्राणों की शक्ति है आपके कि जब आप जहाँ भी बैठेंगे अगर प्राणवान है तो आपके शरीर से ऐसी एक जबरदस्त प्राण ऊर्जा निकलती है जो वहाँ बैठे हुए लोगों को प्रभावित करती है तो प्राण ही वास्तु में सृष्टि का मूल है प्राण है हमारे अंदर इसलिए हम प्राणी हैं प्राण निकल जाए तो हम मृतक हो जाते हैं तो प्राण को बढ़ाए कैसे तो प्राण प्राणायाम करके बढ़ाया जाता है हेलिंग के जितने लोग हैं जो हेलिंग करते हैं बीमारियां ठीक करते हैं लोगों को स्वस्थ करते हैं वो रेकी हो प्राणिक हिलिंग हो वास्तु हिलिंग हो फेंसिंग हिलिंग हो या अन्य प्रकार की हिलिंग हो अथवा किसी साधु संत द्वारा किसी भक्त या दुखी प्राणी को आशीर्वाद देना है यह सब प्राण का ही खेल है प्राणिक हिलिंग में प्राण को ऊपर से लेते हैं फिर संचार करने का प्रयत्न करते हैं अन्य हिलिंग्स में भी यही किया जाता है अगर बाहर से प्राण ले उससे अच्छा है कि आप इतने प्राणवान हो साधु संत बाहर से प्राण लेकर फिर वहीं से वहीं हिलिंग कभी नहीं करते वो स्वयं तपस्या करके साधना करके इतने प्राणवान हो जाते हैं कि किसी को कोई भी बात बोल भी दे तो प्राण ऊर्जा इतनी होती है कि वो सच हो जाता है किसी को आशीर्वाद के हाथ उठा दे तो उनके हाथ से वो प्राण की किरणें निकलती हैं और उनके स्वास्थ्य को ठीक करती है उनकी मनोकामना पूर्ति करती है तो प्राण बहुत बड़ी चीज है हम प्राणायाम करके अपने प्राण को बढ़ा सकते हैं प्राणायाम की बहुत विधियां हैं और नादान लोग इन चीजों को नहीं करते जो चीजें हमारे लिए बहुत आवश्यक है जो बहुत जरूरी है अनिवार्य है परमात्मा ने मुफ्त में दी है जल जरूरी है तो मुफ्त में दिया लेकिन अब समय आ गया अब जल का भी पैसा लगता है और वायु जरूरी है तो वो और मुफ्त में दिया और उससे भी जरूरी है प्राण तो कहते हैं कि जितना चाहो आप खींच लीजिए सा, सामान्य प्राणायाम में प्राण की वृद्धि नहीं होती फेफड़े मजबूत होते हैं ऑक्सीजन जाता है परंतु यदि उसमें हमारी भावनाएं जुड़ी रहे कि हम प्राण को ग्रहण कर रहे हैं तो निश्चित ही प्राण ऊर्जा बढ़ने लगेगी अब बहुत तरह के प्राणायाम ऐसे हैं जो बीमार लोग नहीं कर सकते अस्वस्थ लोग नहीं कर सकते बहुत वृद्ध लोग नहीं कर सकते बहुत छोटे बच्चे नहीं कर सकते तो उसके लिए ऋषियों ने सरल उपाय बताया था कि आप गायत्री मंत्र का जप करिए गायत्री मंत्र आपके प्राण को अद्भुत रूप से विस्तृत करता है आपके प्राण को बढ़ाता है आप जपते-जपते देखेंगे कि आपके अंदर प्राण की शक्ति इतनी बढ़ गई कि आप जो बोल रहे हैं वो सच हो रहा है आप जहाँ भी जा रहे हैं लोग प्रभावित हो रहे हैं गांधी जी जब पहली बार वकालत करने गए तो उनका पांव लड़खड़ाने लगा लेकिन जब वो साधना करने लगे गायत्री मंत्र करने लगे लोग कहेंगे गायत्री मंत्र करते देखा नहीं ये सारी गुप्त विद्याएं थी किसी को साधना बताई नहीं जाती लेकिन जो सुमिरन करते थे उससे आप समझ सकते हैं कि गायत्री मंत्र वो जपते थे सुमरन में वही कहते थे जो गायत्री मंत्र का भाव है जो गायत्री मंत्र का अर्थ है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सनमति दे भगवान हे प्रभु आप जो भी हैं सबको श्रेष्ठ मार्ग पर प्रेरित करें यही तो गायत्री मंत्र का भावार्थ है और गा, महात्मा गांधी स्वयं कहते थे कि गायत्री मंत्र का जप लंबे समय के रोगियों के रोग को भी ठीक करता है निश्चित ही वो गायत्री जपते थे और जब उन्होंने जपना शुरू किया तो उनकी आंखों में इतनी चमक आई प्राण ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि चर्चिल कहा करता था कि गांधी से कभी आंख मत मिलाना नहीं तो तुम उसी के हो जाओगे प्राण ही संसार है प्राण ही परमात्मा है प्राण ही ब्रह्म है हम प्राण स्वरूप है और अपने प्राण को कैसे बढ़ाए गायत्री महामंत्र अपने आप हमारे प्राण को बढ़ाता है और उस स्तर तक ले जाता है जो संसार में हम विश्वविजयी बाहुबली शक्तिशाली आत्मल संपन्न बनते हैं प्राण ऊर्जा के संचार के लिए प्राण ऊर्जा के संयम के लिए हमें गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए यदि हम समस्त रोगों से छुटकारा पाते हैं मनोविकारों से छुटकारा पाना चाहते हैं यदि हीन भावना से मुक्ति चाहते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी से बचना चाहते हैं प्राण की कमी ही तो डिप्रेशन लाता है प्राण की कमी ही तो भय उत्पन्न करता है प्राण की कमी ही तो आदमी को शंका और द्वंद में रखता है यदि हमारे अंदर प्राण की मात्रा रहे उचित तो कभी भी डिप्रेशन नहीं आएगा भय नहीं लेगा एंजाइटी नहीं होगी और न ही उससे उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ होंगी तो बस इतना ही कहना था कि गायत्री महामंत्र अद्भुत है चमत्कारी है और इस धरती के लिए अमृत पारस और कल्प वृक्ष है इसका आप जप करें और अपने प्राण शक्ति को बढ़ाएं ओम शांति